ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत शांति संदेश है, तो पहले मुरली सुनाऊं या पहले संदेश सुनाऊं? हैं? संदेश क्या कहते? संदेश सुनाऊं? अच्छा अच्छा भाई, सुनो संदेश, फिर मुरली है, संदेश भी बड़ा है। ओम शांति। बाबा ने वर्तमान समय के ऊपर डायरेक्शन दिया है, क्योंकि देश विदेश में सबके अंदर ये सवाल हलचल है, हम रिजर्वेशन करावे, हम मधुबन में आवे, हम आवे आवे नहीं आवे, तो सब बातों का, हम ये प्रोग्राम करें, हम ये फंक्शन करें, ऐसी ऐसी बातों का संदेश भोजन, जो चारों तरफ देश में रैलीस भी चल रही है, यूथ मेहताओं आदि। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा लाइट की ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। बाप दादा लाइट की ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, और बाप दादा के नैनो मस्तक से बहुत प्यारी शांतिमय लाइट निकल रही थी। लाइट की पहाड़ी पर था, लाइट निकल, जो लाइट हाउस के समान चारों ओर फैल रही थी, और बाबा इसी कार्य में इतना बिजी थे जो हमारे तरफ देख भी नहीं रहे। मैं गई हूँ, देख भी नहीं। मैं भी बाबा को देख उसी अनुभव में लीन थी। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची देख रही हो, बाप दादा किस कार्य में बिजी है? देख रही हो बाबा किस कार्य में बिजी है? अच्छा, वर्तमान समय तो हरेक बच्चे की भी विशेष यही जिम्मेवारी है, सो सोवा द्वारा विश्व में सर्व आत्माओं शांति की लहर फैलाए और आत्मा को रूहानी सांस का सांस दिलावे, रूहानी सांस दिलावे। जब आप बच्चों का विश्व परिवर्तन का कार्य है, तो अपने ब्रह्मन ऑक्यूपेशन विश्व का के कार्य को निभाने का समय है। जैसे विनाश का कार्य जोर शोर से चल रहा है, तो आप शांतिदाता बच्चों का कार्य इतना ही जोर शोर से चल रहा है। आप बच्चों का भी इतना ही जोर शोर से कार्य चल रहा है। बच्चे सोचते, बाबा भी देखते, देश विदेश में सेवा के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे,
बाबा भी देखते देश विदेश में सेवाओं के प्रोग्राम भी अच्छे ही चल रहे, क्योंकि विदेश में भी बच्चियाँ यहाँ वहाँ सब चलती है, और देश की इतनी कॉन्फ्रेंस जो चली है वो भी सब बाबा को समाचार में दी है कितनी कॉन्फ्रेंस चली। तो बाबा देश सेवा के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चले रहे। वो तो समय पर माम बाबा बोले, समय परमान बाबा बोले, बाप दादा का वरदान है बच्चे, आगे क्या होगा? बाप दादा का क्या वरदान है बच्चे, आगे क्या होगा? सेवाओं की खान खुलने वाली है, सुना? सेवाओं की खान खुलने वाली है भाई, खान इतनी हो भी रही है ना, देखो अभी भी कितने हजारों बच्चे बाबा के आए। अच्छा, सेवाओं की खान खुलनी ही है। बाप दादा बच्चों की सेवा देख बहुत खुश है, अच्छे उमंग उत्साह मेहनत से सेवा कर रहे हैं भाई, अच्छे उमंग से सेवाएं कर रहे हो। अच्छा, परंतु फिर क्या आया? अच्छे उमंग से सेवा कर रहे हो परंतु, अब सुनो, परंतु प्रोग्राम्स और सुव स्थिति की भी प्रोग्रेस की बैलेंस है, परंतु प्रोग्राम्स और सुव स्थिति के प्रोग्रेस का बैलेंस है भाई, बैलेंस है। सुव परिवर्तन द्वारा स्थापना के समय लिए संपन्न हुए हो, हाँ प्रोग्रेस है, संपन्न हो। स्व स्थिति द्वारा बेहद के वृत्ति द्वारा, स्व स्थिति द्वारा बेहद के वृत्ति द्वारा स्थापना के कार्य में तीव्रता ला रहे हो, तीव्रता ला रहे हो। स्व स्थिति में एवर रेडी हो, स्व स्थिति में भी एवर रेडी है। बाप दादा अब हर बच्चे की यही रिजल्ट देखने चाहते हैं, बाप दादा हर बच्चे की यही रिजल्ट, क्या वो बैलन, हर एक बच्चा बाप समान स्व स्थिति से संतुष्ट है, हर एक बच्चा हर एक बाप समान स्व स्थिति से संतुष्ट है। अब तो समय परमान, अब तो समय परमान सदा शांति देवा, शक्ति देवा, शांति देवा, शक्ति देवा, सुख देवा, क्या शांति देवा, शक्ति देवा, सुख देवा बनने का समय है, और इस निरंतर स्थिति द्वारा ही हर आत्मा में बाप के प्रत्यक्षता
बाप प्रत्यक्षता बाप के समीप लाने की अनुभव होंगे। बाप के समीपता बाप की प्रत्यक्षता के समीप लाना के लाने की अनुभूति होगी। सुना बैलेंस और आगे सुना। अच्छा भाई चलो 7 तो बजा, चलो थोड़ा टाइम क्लास को लगेगा आज।
अच्छा ओम शांति। बाप दादा जानते हैं ये शुभ आशा बाप के हर बच्चे के दिल में है। बार बार याद आती कि बस मुझे तो बाप समान बनना ही है। बार बार आता बाप समान बनना ही है, परंतु कुछ समय तीव्र होती और कुछ समय समस्या सरकमस्टेंसेस व संगठन के वातावरण कारण तीव्रता कम हो जाती है ना। कभी तो होती कुछ समय तीव्र होती, फिर कुछ समय समस्या सरकमस्टेंसेस व संगठन के वातावरण कारण तीव्रता कम हो जाती। अब समय है निरंतर इस लगन में मगन रहने का। इसके बाद बाबा बोले, अब तो बाप दादा हर बच्चे को स्व कल्याण विश्व कल्याण के आसनधारी स्थिति ही देखने चाहते हैं। सुना कौन सी स्थिति? हर बच्चे को स्व कल्याण के स्व कल्याण विश्व कल्याण के आसनधारी स्थिति देखने चाहते हैं। हर एक अपने को देखे, दृढ़ संकल्प करे, मुझे जल्दी से जल्दी बाप समान बनना ही है। क्या करो, क्या दृढ़ संकल्प करो? हमें बाप समान बनना ही है। इस वृत्ति से स्व में सेवा में अंतरिक्ष शक्ति में वृद्धि लानी ही है। सुना क्या? इसी वृत्ति से, हाँ ये है वृत्ति, हो बाप समान, स्व में सेवा में अंतरिक्ष शक्ति में वृद्धि लानी ही है। ऐसे बोलते ऐसे बाप दादा बड़े स्नेह और उम्मीदों बड़ी दृष्टि से हरेक बच्चे को देख रहे हैं। अरे बाप दादा देख रहे, ऐसे लग रहा था जैसे आज पांडव पति अपने पांडव सेना को एवर रेडी बना रहे। पांडवपति पांडवों को क्या बना रहे हैं? एवर रेडी बना रहे। इसके बाद बाबा को मीटिंग का भी समाचार सुनाया, माना कॉन्फ्रेंस वगैरह चलनी है, सब सुनाया। बाबा बोले, ये आवश्यक है प्रोग्राम्स के रूप में रूपरेखा अब शांति की ही जमीन पर है, क्योंकि अभी मधुबन में भी बहुत प्रोग्राम्स है आगे आगे। तो बाबा से इशारा प्रेरणा भी पूछे, क्या सब प्रोग्राम समय अनुकूल देखें रखें या थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे। अच्छा, तो कहते प्रोग्राम्स की रूपरेखा अब शांति की ही थीम पर है, बाकी जो चल रहा है वो तो चलने ही रहते। जो प्रोग्राम भी रखो वो शांति का रखो। मिसला धर्म सम्मेलन में जो अगर आने लिए तैयार है तो उनों को भी होमली रूप में मंगाओ, जैसे डायलॉग करते हैं ना।
और अच्छे स्नेही सहयोगी बन जावे। बाकी जो अब कुछ किया नहीं है, अब हमने 5-8 प्रोग्राम बाबा से पूछा, बाबा ये करे ये करे, या अभी इनो सभी की अब और कोई प्लान नहीं बनावे, तो बाबा बाकी जो अब कुछ नहीं किए है प्रोग्राम फिक्स डेट छपे रहने दो, समय प्रमाण देखते चलो। विदेश वाले जो आने चाहते हैं वे भले आवे, टिकट बुक भले करा ले, किसी बात की किसी को मना नहीं करो। भले आवे, टिकट बुक कराओ, मना नहीं करो। अमर अब पर चाहिए अपनी हिम्मत, अपनी हिम्मत रखने वाले को समय और सरकमस्टेंसेस भी मददगार बन जाता है। हिम्मत है हा? हिम्मत रखते तो समय सरकमस्टेंसेस भी उनको मददगार हो जाते। तो बाबा कह के फॉरेन वाले पूछते रहते हैं ना, अपनी हिम्मत जनों की जो हो सो आवे, न किसी को फोर्स करो न किसी को मना करो। तो समय और सरकमस्टेंसेस मददगार बन जाते। मधुबन में भी योग बट्टी का वातावरण हो, सुना अभी मधुबन माना नीचे ऊपर सभी जगह बाबा इशारा कर रहे हैं योग बट्टी शांति की बट्टी की प्रोग्राम चले। प्रोग्राम ज़्यादा हो, इस विधि से प्रोग्राम्स बनाते चलो। सबसे ज्यादा स्व परिवर्तन सो संपन्न स्थिति पर ध्यान विशेष देना। स्व परिवर्तन और संपन्न स्थिति का विशेष ध्यान देना है। ऐसे कहते बाप दादा ने सब बच्चों बहुत बहुत स्नेह संपन्न सब बच्चों को याद प्यार दिए। विदेश के बच्चों को भी खास याद दी और अमेरिका निवासी बच्चों को भी खास हिम्मत की मुबारक, हिम्मत की मुबारक दी सब बच्चों को, सुना। तो बाबा कहा है अपनी अपनी हिम्मत है। अब देखो क्योंकि सीजन है ना, लेकिन वो आना नहीं आना देख उनके साथ, उसके साथ बाबा को विशेष दोनों दादियों की याद दी और जानकी दादी की तबीयत का भी थोड़ा समाचार सुनाया। थोड़ी दादी बाप दादा बोले दोनों मेरे मुर्बी बच्चे हैं, बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो निमित्त बनने वालों को विशेष निमित्त बनने की मदद भी मिलती है। अब दोनों अपने तबीयत के नॉलेजफुल बन गए हैं, भाई तबीयत के भी नॉलेजफुल। अभी जनक बच्ची अपने आप समझ चला रही है, उसके लिए याद प्यार साथ है। बाबा कहते अब जनक बच्ची अपनी तबीयत अनुसार मधुबन में आना है व नहीं वो खुद मालिक बन फाइनल करे, क्योंकि फॉरेन वालों की रिट्रीट है यहाँ 20 तारीख आ जाए 12। पीस ऑफ माइंड रिट्रीट है, पीस ऑफ माइंड, तो उसमें चारों फॉरेन से आने वाले हैं, तो ज़रा फॉरेन में ही तो ये सब है, इसलिए वो आवे नहीं आवे जानकी दादी पूछ आऊं नहीं आऊं, तो बाबा ने जवाब। अब जनक बच्ची अपनी तबीयत अनुसार मधुबन आना है वा नहीं वो खुद मालिक बन फाइनल करे, क्योंकि खुद ही समय सेवा और शरीर को जान गई है।
इसलिए जो बच्चे नाले फाइनल करेंगे, इसलिए जो बच्ची फाइनल करेंगी, बाप दादा बच्ची के साथ है, बाकी दोनों बच्चों को बाप दादा, दोनों बच्चियों को बाप दादा विशेष हिम्मत पर दिल के प्यार की गोल्डन पुष्प चढ़ा रहे हैं। भाई क्या सुना, दोनों बच्चियों को गोल्डन पुष्प चढ़ा रहे, भाई चढ़ा रहे हैं पुष्प। ऐसे कहते दोनों को बाप दादा ने अपने नैनों में समा लिया। भाई दोनों को, वो बैठी है वहाँ, ये बैठी है, दोनों को बाप दादा ने अपने नैनों में समा लिया। और हम तो देख देख खुश हो रही थी, वाह दादियाँ वाह वाह दादियाँ, फिर हम चली आए। भाई सुना, स्वस्थिति कैसी रखनी है मेरी, बैलेंस रखना। अच्छा अभी सुनो मुरली, बाबा के मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, जिसकी तुम महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। क्या करो, इसलिए खुशी में क्या करो, नाचते रहो, खुशी में, इसलिए सदी खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न हो। बोलो भाई किसी बात का गम है, हा? किसी को किसी बात का भी गम है नहीं। अच्छा प्रश्न, पुरुषारथी बचे अपने दिल से पूछे, जांच अंदर कौन सी जांच करे। उत्तर, क्या जांच करो, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है, तो ना क्रोध का कांटा भी खराब है, वो तो तीखा है, देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल देना है, कोई भी कांटा, अपने आप को घाटे में मत डालो, मत डालो। मीठे बच्चे कोई कांटा हो निकालो, अपने को घाटे में मत डालो। अच्छा गीत, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वो गाते रहते, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं, जिनके द्वारा बनाए रहे हैं जरूर वह सुख नाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाबा की महिमा परम अपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर कौन सी दशा है, बृहस्पति की दशा है, सारी दुनिया पर भी बृहस्पति की दशा। अच्छा तुम ब्राह्मण ही ये बात जानते हो, भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा, भारत खास दुनिया, क्यों
अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ बैठे हो तो खुशी, बाहर जाओ तो खुशी गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। भाई हजूर हाजिर है। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ 5000 बरस पहले भी तुम्हें राजाई देकर गया था, और अब भी तुम देखेंगे ऐसे ऐसे भी सब पुकारते हैं, ऐसे ऐसे सिंधी शब्द है, धीरे धीरे पुकारते भी है और पुकारते रहेंगे, और तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स पर दर्शनियाँ निकलती जाएंगी। जैसे कोई कहते एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहते हैं ना, आत्मा जानती है, परंतु बरोबर भारत में एक ही राजधानी देवी देवताओं की थी, ये खशबे फैलती जाएंगी। तुम खशबे डालते जाते हो, ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनाना है, भारत को, भाई सब भारत के बच्चे। तुम जानते हो इस योग बल से क्या होगा, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसीलिए तुम्हारा ही गायन है, क्या गायन है, दे दान छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं दो विकारों का दान, दो दो अवगुणों का दान, दो विकारों का दान, दो अवगुणों का दान, ये है ही रावण राज। बाप आकर के तुम्हें इनसे चुराता है। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है दुश्मन। तुम दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना है, शरीर का भी भान छोड़ना। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज था, अब क्या हो गया है, अब उन पर ग्रहण लग गया, देवताओं का अब उस पर भाई ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग गए। इसलिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। देखना कितना बार बाबा कहे, ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते दे दान तो क्या बनेंगे, तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, दे दान तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, दान नहीं देंगे तो नहीं देता बनेंगे। भगवान भी दान नहीं देंगे तो देता भी नहीं बनेंगे।
सुना, आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारे बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है, तुम विश्व का राजवाक लेते हो, ये भी बेहद का ड्रामा। कितने इस बेहद ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं, अथवा एक्टर्स हैं, उसमें भी नंबर वन एक्टर कौन, नंबर वन एक्टर कौन, लक्ष्मी नारायण। अथवा एक्टर्स हैं उसमें भी नंबर वन फर्स्ट क्लास एक्टर्स है कौन, लक्ष्मी नारायण। ना उनों का नंबर वन पार्ट है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, सो ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, ये 84 जन्मों का चक्कर लगाते, यह सब रास तुम्हारे बुद्धि में है। व्यापारी लोग चौपरा रखते हैं, फिर उसमें स्वास्तिका निकालते, व्यापारी लोग खास दिवाली पर हर एक अपने दुकानदार चौपरे पर स्वास्तिका निकालते, फिर गणेश की पूजा भी करते। और तुम्हारा क्या है, बहुत अच्छा है, व्यापारी लोग चौपरा रखते हैं स्वास्तिका है, तुम्हारा क्या है, तुम लोग का क्या है, तुम्हारा है सब से बड़े ते बड़ा बेहद का चौपरा 84 जन्म, तुम्हारा है बेहद का चौपरा, वही चौपरा है बड़ा। स्वास्तिका में चार भाग होते हैं, जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते, वह पक जाता तो चार भाग हो जाता, वहाँ चावल का ही भोग लगाते। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, मोस्ट बिलवेड बाप आकर के तुम्हारा सर्वांत बना है, हाँ तुम्हारी सेवा कर। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप, अभी तुम जानते आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह कैसे निर्लेप हुई, 84 जन्मों का पाठ है, वह कैसे निर्लेप हुई। तो निर्लेप कहना कितना रांग है, रात दिन का फर्क। जब यह कोई अच्छी रीत बात मास डेढ़ समझे तब कुछ पॉइंट्स बुद्धि में बैठे, तुम्हारी दिन पर दिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती। तुम क्या सुन रहे हो भाई, तुम क्या ले रहे हो, तुम्हें मिल रही है कस्तूरी भाई, क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या कस्तूरी, खाओ कस्तूरी, बहुत अच्छी कस्तूरी की सुगंध होती है। शास्त्रों में तो कुछ सारी नहीं, बाबा कहते अब बुद्धि से ये फालतू सब बातें निकाल दो, ज्ञान सागर एक बाप है जो अब ये पूरा निश्चय बैठा है, निश्चय है तो समझते है बरोबर, यह सब भक्ति मारी के लिए है। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते, सीरी पर भी क्लियर दिखाना है, भक्ति मार्ग शुरू होता तो रामन राज शुरू होता। अभी ये गीता एपिसोड चल रहा है, बाप कहते मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, तो कलप के संगम पर आता हूँ मैं,
इन्होंने कह दिया युगे युगे कच्छ मच्छ अनेक अवतार ले। कितनी मिसअंडर, 24 अवतार कह दिया। बाबा कहते अच्छा बच्चे, फिर घूम फिर के फिर क्या कहा है, बच्चे तुम्हारे पर कौन सी दशा है, कौन सी दशा है? बृहस्पत की दशा। भाई बृहस्पत की दशा है सबके ऊपर ना। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, और रावण ने क्या किया, रावण ने क्या किया, तुम्हारे ऊपर राहु की दशा बिठाई। मैंने बृहस्पत की दशा, रावण ने राहु की दशा बिठाई। अब फिर बाप आए हैं तुम्हारे पर बृहस्पत की दशा यानी स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बच्चे अब ये समय में घाटा नहीं डालो, वेस्ट नहीं करो। व्यापारी लोग अपना खाता सदा ठीक रखते, घाटा डालने वाले को अगर कोई व्यापारी घाटा डालता तो उसको क्या कहेंगे? भाई व्यापारी लोग अगर कोई घाटा डाले तो क्या कहेंगे? अन्नारी। वो व्यापारी नहीं है, वो है अन्नारी। अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी बाप तुम्हें मिला है। तब कहा है यह व्यापार कोई विरला व्यापार है। बाप है कौन? बाप का बापा में क्या बाबा गाते? बाप है, बाप क्या महिमा गाते, रोज गाते। बाप है सौदागर रत्नाकर, बेहद का सौदागर रत्नाकर और ज्ञान का सागर। देखो बच्चे प्रदर्शनी में कितने बच्चे आते हैं, सेंटर में कोई, फिर उसमें से सेंटर पर तो कोई मुश्किल आए। प्रदर्शनी करते कितने आते, मेले में तो हजारों आते हैं, कितने प्रदर्शनी। भारत बहुत लंबा चौराहे के छोटा थोड़ी है। तुमको सब जगह जाना है, प्रदर्शनियाँ करनी है। गंगा कोई पतित पावनी, पानी की गंगाएं तो सारे भारत में है। ये भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा, चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहते। भाई गंगाएं तो सब जगह है, नदियाँ, लेकिन आजकल कल भी उस पर करने का नहीं। आजकल पानी की समस्या तो शुरू हो जाए। सुना अभी यहाँ भी टैंकर शुरू है भोपाल, 4000 आया है तो टैंकर शुरू किया। बस ये इतने कुएं बोरिंग सब पूरा हुआ। अच्छा यहाँ जाना है, दिन पड़ते दिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहते। भाई सभी देखना चित्र बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, अच्छी है। और मैंने तो सुना अभी सब विंग्स की प्रदर्शनियाँ बनी है। शोभनीय चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझा। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारा कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं। पहला बड़ा कांटा है काम का, फिर है क्रोध का कांटा। क्रोध का कांटा वह भी बहुत खराब होता है। भाई क्रोध का कांटा भी बहुत खराब होता है, देवताएं क्रोधी नहीं देते।
क्रोध में मनुष्य को जो आता सो करता। दिखाते हैं शंकर की अच्छा देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया, विनाश तो होना ही है। सूखे वतन में शंकर को कोई श्राप पाप तो नहीं दे सकते, वहां धरती ही कहां, बड़ी मजे का जवाब है। सुनो, सूखे वतन में शंकर को कोई श्राप आदि थोड़े, सर्प श्राप नहीं, सूखे वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े ही हो सकता। सर्प तो धरती पर होते, वो तो सूखे वतन में रहते, वहां सूखे वतन में धरती कहां, जो सर्प आद निकले और शंकर के गले में पड़े। सुनी बाबा की जवाब सुना देने भाई, सूखे वतन में धरती कहां, सर्प तो धरती से होते निकलते, वो सूखे वतन में कहां होगा जो शंकर के गले में न, वह धरती कहां जो सर्प आद निकले, आसमान में थोड़े सर्प घूमेंगे। सूखम वतन मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आद कुछ वहां नहीं होता, वहां सर्प कहां आया है? अब ये कोई को डेफिनेशन दियो तो दिमाग में ही मुश्किल है कि वहां सूखे वतन में सर्प कहां से आए। अच्छा, ये सब यहां होते हैं, स्वर्ग भी यहां ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए कांटों का जंगल कहा जाता है, सत्युग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा का कैसे सुंदर बगीचे बनते, वह तुम मोस्ट ब्यूटीफुल बाबा बगीचा बनाते, मोस्ट ब्यूटीफुल सबको और क्या सबको हसीन है बनाते, हसीन खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया, तो अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम जानते अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, आधा समय दुख आधा समय सुख, इससे भी फायदा किया नहीं, वास्तव में आधा समय सुख आधा समय दुख नहीं, इससे क्या फायदा हुआ, तब क्या हो, तीन हिस्सा सुख तब कुछ वैल्यू है, आधा आधा नहीं, बको आधा आधा नहीं देता, तीन सत्युग त्रेता द्वापर सुख। अच्छा, ये भी ड्रामा बना हुआ है, बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान ने ड्रामा ऐसे क्यों बनाया, अरे ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है कि बनाया थोड़ी है, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता, ये अनादि सृष्टि चली आती है चलती रहेंगी, प्रलय नहीं होती, बाबा नई दुनिया बनाते इसमें भी गुंजाइश है, पुरानी को नहीं है तो ना दी, कितने मनुष्य पति दुखी है तब बुलाते हैं तो बाप आकर सबकी क्या करता, बाप आकर सबकी क्या करता, सुंदरी भारती क
काया कल्पत्रु करता, कल्प वृक्ष समान का। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी भाई, अकाले मृत्यु नहीं होगी है? जो आज कल अकाले ही मृत्यु हो रहे हजारों। अच्छा, आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती, इसीलिए तुम कहते हैं बाप आकर के क्या किया है। डॉक्टर बलवंत, काल पर विजय प्राप्त कराते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा। पुरुषार्थ तो हर एक जाति कमाई लिए करते फिर कहते कमाई करनी चाहिए। लकड़े वाला होगा कहेगा हम जास्ती लकड़ी ले, जास्ती बेचे, जास्ती मेरी कमाई हो भाई लकड़े। और कोई तो ठगी से भी बहुत कमाई करते, वहाँ ऐसी कोई ठगी की बात नहीं होती, नहीं कोई कमाई। अब तुम बाप से कितना बेहद का वर्षा ले रहे हो। अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। नारद का मिसाल दिया ना कि देख तू तेरी शिकिल, तुम लायक हो। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बाबा कहते ये सब कितनी यात्राएं, ये सब कितनी करते हैं, इन सबको अब तुम छोड़ दो। बाबा सिर्फ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो गए। बहुत अच्छी तुमको युक्ति सुनाते हैं। बच्चे सुनते हो तुम, ये भी बच्चे जानते हो ये रथ भी तो बाप ने लोन पर लिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, इस रथ का नाम भी क्या दिया है, भाग्य रथ। तुम जानते हो तुम कहाँ भाग्य रथ तुरंत दूसरी, तुम जानते हो ये मांस आदि जो तैयार हो रहे हैं किस लिए, इसलिए भंबोर को आग लगने लिए। मांस आदि जो तैयार हो रहे हैं ये भी भंबोर को आग लगने। रावण का बुत भी मनाते हैं मारने लिए, या मारने आदि की तो बात नहीं, कहाँ मारने आदि की बात कहाँ। अरे कोई रावण के बुत कहाँ मारना, एक रावण की बात कहाँ, सारी रावण की पूरी खत्म हो रही है, सारी रावण पूरी खत्म हो रही है। और तुम बच्चे क्या पुरुषार्थ करते, रामपुरी में चलने का। भाई रावण पूरी खत्म हो रही है, तुम चलेंगे रामपुरी में। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कोई भी कांटा अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चे, तुम ब्राह्मणों का आधार क्या है, बच्चे तुम ब्राह्मणों का आधार क्या है कवि भाई? मुरली। तुम बच्चों का आधार क्या है? मुरली। सबका आधार मुरली पर है। मुरली तो तुमको नहीं मिलेंगी तो तुम बाकी क्या पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं मुरली भी सिर्फ एक ब्राह्मण ही क्लास में पढ़े, अरे क्यों दूसरी नहीं सुना सकती क्या? कभी कोई मुरली सुनावे पढ़कर, कभी कोई सुनावे। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने लिए चित्र भी अच्छे बहुत हैं। ये मुख्य चित्र जो होवे अपने दुकान में
रख बहुतों का कल्याण करो। भाई मुख्य चित्र दो चार तो रखते, इस सौदे के साथ साथ अपना सौदा करो। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आज नहीं बनाओ, अब दुकान पर आई मकान। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आज नहीं बनाओ, बल्ब बनाओ। पैसा तो मट्टी में मिल जाना है, सुना है? मकान बल्ब बनाओ, पैसा तो मट्टी में मिल जाना है। अरे भाई भरत भी जा रहे हैं, सुनो, इसमें क्यों नहीं, इसे तो क्यों नहीं मकान बनाओ। अरे भाई भले मकान बनाओ, आराम से रहो। तो आजकल मत मैं ब्राह्मणों की सारा दिन दादी के पास लिस्ट आती, दादी जमीन मिल रही है, दादी मकान मिल रही है, दादी ये सेंटर बनावे। तो पैसा तो मट्टी में मिल जाना है, तो इसमें क्यों नहीं मकान बनाए कर आराम से रहो। भाई भले रहो, मना नहीं है। पैसे काम में भले लगाना चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, जान दान भी करो, और पैसा भी मकान बनाओ दान। कश्मीर का राजा मरा तो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजों को दान में दी, अपने धर्म के लिए करते हैं। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं। वह है हद का दान, यहाँ तुमको मिलती है बादशाह। तो ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राजभाग लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ निकालते, उसका भी दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिलता। अब बाप कहते मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम्हें तो इस कार्य में लगाना ही है। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को अपने लिए मकान नहीं बनाना है, मकान तो बाबा तुम ब्राह्मणों को बनाना है ना, अपने लिए थोड़ी बनाते। तो बाबा तो तुम ब्राह्मणों के लिए बनाते। यहाँ भी मधुबन में तो एक ही मकान पूरा नहीं होता तो दूसरा, अपने लिए मकान बनाना है। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये सब तुम ब्राह्मणों के लिए है। गरीब शाहूकार सब इकट्ठे रहते तो ये सब बच्चों का ही है। घर में ये कैसे आराम से जाते रहते हैं? तो वो प्रबंध आने वालों को भी यहाँ देना पड़ता, तो मकान बनाना पड़ता। इसलिए कहते कि सबकी खातरी करो, कोई भी चीज़ न हो तो बाबा के यज्ञ में वो चीज़ मिल सकती। बाप को बच्चों पर लौ रहता, तो ना भाई आने वाले मेहमानों को खातरी तो रखनी होती, सब देना पड़ता। तो बच्चों को समझाते हैं पुरुषार्थ करो, औरों लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ तीन पृथ्वी, जिसमें बच्चे आए रहे, बच्चे समझाते रहे। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम इसमें प्रदर्शनी रख करना चाहते, एक दो घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा। भाई किसका हाल बनाने का, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पेट मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा सास अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है, उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना, ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना। ब्रह्मा जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे फौरन निकाल देना है, इसको कहेंगे अवगुणों का दान दो छूटे ग्रह। वरदान निर्मल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ना, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है, विशेष शक्ति। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ क्या बनो, शक्तियों दाता बनो। ज्ञान दाता के साथ साथ क्या बनो, शक्तियों का दाता भी बनो। तो साथ शक्तियों का वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता, इसलिए वरदानी बनकर अपने रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इस सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन साखी होकर खेल देखो, साखी होकर खेल देखो तो सेफ रहेंगे और मज़ा भी आए। हर एक बात को साखी हो देखो खेल मज़ा आए। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति।